हम सफर पार्ट टू। उठो पीहू, मेरा हाथ थामो और चलो मेरे संग। पीहू धुंधली आंखों से देखती है तो सामने किसी की परछाई थी, मगर किसकी? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा हमसफर हूँ पीहू। ये सुन पीहू की आंखें नम हो जाती हैं और वो साय की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, मगर जैसे जैसे वे हाथ बढ़ा रही थी, साया उससे दूर हटता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। रुको प्लीज, मुझसे दूर मत जाओ। तभी वह साया रुक जाता है और पीहू उसके पास आकर उसके हाथों में जैसे ही हाथ रखती है, तभी पीछे से एक दूसरा साया आकर पीहू का हाथ पकड़ लेता है। पीहू पलट कर देखती है तो वहाँ कोई और भी था। तुम कौन हो? तुम्हारा हम सफर। पीहू घबराई हुई रंजन के सीने से लगी हुई थी। क्या हुआ पीहू, सब ठीक तो है ना? वो बेबी, मुझे नौकरी मिल गई। डिनर पर चले आज, तुम और मैं, और रोमांटिक सा डिनर। रंजन का चेहरा ये बात सुनकर एकदम सफेद पड़ गया था। ओके, चलो। और दोनों मस्त तैयार होकर एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। इतनी बड़ी जगह, मगर यहाँ देने के पैसे कहाँ से आएंगे पीहू? उसकी चिंता मत करो, अब सब अच्छा होगा, मुझे बॉस ने बोनस भी दिया है। दोनों उस फैंसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना मंगाते हैं। रंजन, बस एक रिक्वेस्ट है, आज का इतना खुशी का दिन है तो बस यहाँ शराब मत पीना। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे हम आज अच्छा खाना खा सके। नहीं जान, तुम्हें जो चीज नहीं पसंद वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, बस एक बार वॉशरूम होकर आ जाता हूँ। और रंजन वॉशरूम में जाते हुए पीहू के बैग में से पीछे से हाथ डालकर पैसे का लिफाफा उठा लेता है और काउंटर पर जाकर महंगी शराब ऑर्डर कर पीछे छिपकर पीने लगता है। पीहू इस बात से अनजान खाना ऑर्डर कर रही थी। अरे, इतनी देर हो गई, रंजन आया नहीं। तभी उसके कानों में तेज लड़ाई झगड़े की आवाज आती है और पीहू हैरान परेशान सी उसे जाकर देखती है तो एक सूट बूट वाले आदमी ने रंजन के ऊपर मुक्का तान रखा था। रंजन नशे में धुत था और उसने उस आदमी के साथ बदतमीजी की थी। रंजन की ओर से मैं माफी मांगती हूँ सर, प्लीज आप इसे मत मारिए। जैसे ही पीहू जाकर उसे रोकती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि अनुराग ही था। पीहू अनुराग को देखकर सहम गई थी। ओ, तो यह है तुम्हारी माँ जो रात में बीमार हो जाती है, संभालो इसे, सच में इसे तो अकेला छोड़ना खतरनाक है। और अनुराग रंजन को धक्का दे देता है और पीहू उसे पकड़ती है। अनुराग के चेहरे पर अलग ही गुस्सा था। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर पीहू के पास आता है। मैडम प्लीज, आप इन सर को लेकर यहाँ से चली जाइए, आपकी वजह से हमारे स्पेशल गेस्ट को परेशानी हो रही है। हाँ ओके, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, चलो रंजन यहाँ से। वेटर, एक बैग और देना। मैडम बिल लीजिए। हाँ मैं अभी देती हूँ। और पीहू अपने बैग में से पैसे जैसे ही ढूंढती है तब देखती है कि वहाँ से पैसे पहले से ही गायब थे। पीहू को जैसे ही पता चलता है वह एकदम सफेद हो जाती है। मेरे पैसे, पैसे कहाँ गए? रंजन तुमने ही लिए है ना ये? अरे वेटर, सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कहा ना, एक बैग और दो। इतने पैसे है ना मेरे पास कि मुंह पर मारूंगा तुम सबके। और पीहू जैसे ही हाथ जोड़ने लगती है तभी मैनेजर बोलता है, अरे मैडम का बिल भर दिया गया है, इन्हें जाने दो। पीहू देखती है तो अनुराग ने उसका बिल भर दिया था और वहां से जाने लगा था। अनुराग अपनी काली गाड़ी में बैठता है। पीहू खिड़की से तेजी से झांक कर देखती है। तभी अनुराग कांच नीचे कर उसकी ओर देख कर मुस्कुराता है और पीहू छिप जाती है। ये गाड़ी तो शायद वही है। और पीहू रंजन को लेकर निकलकर घर चली जाती है। लगता है कल नौकरी के पहले दिन ही मेरा आखिरी दिन होगा। रात का समय होता है। रंजन पीहू के ऊपर अपना हाथ रखता है और दोनों की निगाहें मिलती हैं। I am sorry पीहू। क्यों करते हो तुम हर बार? तुम जानते हो ना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन तुम मुझे खो भी सकते हो। पीहू, बस तुम उससे दूर जाने की बात मत किया करो, दूर जाने का सुनते ही मैं पागल हो जाता हूँ। पीहू और रंजन रोने लग जाते हैं। अगला दिन आता है और पीहू तैयार होकर अनुराग की ऑफिस पहुंचती है। तभी वह देखती है कि अनुराग की केबिन के ठीक बगल में पीहू का केबिन होता है, जहां उसके नाम की नेम प्लेट देखकर वह बहुत खुश होती है। सर ये, सर कल रात के लिए, आई एम रियली सॉरी। चलो अब काम पर लगो। और हाँ, वो तुम्हारी रात वाली मॉम अब कैसी है?
पीहू अपने झूठ पर शर्मिंदा होकर वो भी मुस्कुरा देती है। आज से पहले अनुराग के चेहरे पर इतनी बड़ी हंसी किसी ने नहीं देखी थी। पीहू और अनुराग मिलकर काम करना शुरू करते हैं। पीहू जब भी काम कर रही थी तभी उसे लग रहा था कि अनुराग की नजर उस पर है। लगता है सर काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे ही दिन बीतते गए पीहू लगन और ईमानदारी के साथ काम करती है। वहीं घर पहुंचने पर रंजन उसका इंतजार कर रहा होता है। रंजन तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो ना, थैंक्स यार। इट्स ओके पीहू, बस तुमसे एक मदद चाहिए। वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है, तो अगर तुम सैलरी में से मुझे बस इतनी सी बात। अरे बाबा, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। पीहू हमें बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना होगा और शायद हम कल तक वापस आ जाएंगे। पीहू ये सुनकर चुप हो गई। अगर रंजन को ये पता चला तो मुझे कभी नहीं जाने देगा। और वह रंजन को फोन कर कुछ बहाना लगाती है। आज मैंने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला है, मगर किसी अच्छे काम के लिए। अनुराग और पीहू ड्राइवर कर शहर से बाहर जाने लगते हैं। अच्छा पीहू, टेल मी समथिंग अबाउट यू। मैं, मेरी जिंदगी तो बस दो ही चीज है सर, एक काम और एक मैं। ये सुनकर वह चौंक गई। हाँ क्या सर? अरे बाबा, आई एम जोकिंग। क्या है ना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही लाइट फील करता हूँ। सर आप हंसते हैं तब हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। चलो बताओ आप। बस मैं और मेरा रंजन, मैं रंजन से बहुत प्यार करती हूँ सर। इतनी मेहनत करना, इतना सब मैं हम दोनों के भविष्य के लिए ही कर रही हूँ। और वो, क्या वो भी वैसा ही सोचता है? पीहू कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद में एक लॉज आता है और अनुराग पीहू को वहाँ उतार देता है। पीहू तुम थोड़ी देर यहाँ अंदर बैठकर वेट करना, तब तक मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। और तभी अनुराग के जाते ही, जैसे ही पीहू लॉज के अंदर जाने वाली थी तभी वहाँ वही काली रहस्यमय गाड़ी आकर पीहू के आगे लग जाती है और धीमे से उसका काला कांच नीचे उतरता है। पीहू देखती है कि कांच के अंदर से पीहू की ढेर सारी तस्वीरें बाहर उड़ रही हैं। हर जगह पीहू ही पीहू नजर आ रही थी। पीहू पीहू कुछ और समझ पाती कि तभी वह अपना कांच फिर से चढ़ा लेता है और पीहू चीखती चिल्लाती उस गाड़ी की ओर बढ़कर कांच पर हाथ मारती है। कौन हो तुम? क्यों मुझे तंग कर रही हो? अरे बस करो यार, क्यों परेशान करने पर तुले हो? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? पीहू रो रही थी कि तभी वह गाड़ी वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर पर जाकर रुकती है। फिर से कांच खुलता है। पीहू को चाहता हूँ। और वह फिर से तस्वीरें उड़ा देता है। पीहू डर से एकदम कांपने लगी थी। चारों ओर उसकी तस्वीरें बिखरी थी, लोग बस उसे ही देख रहे थे। शर्म के मारे वह पागलों की तरह अपनी तस्वीरें चुनती है और चुपचाप लॉज के अंदर जाकर कोने में बैठ जाती है। कुछ देर बाद अनुराग वहां आता है। अनुराग जैसे ही पीहू के कंधे पर हाथ रखता है, पीहू तुरंत टेबल पर रखा चाकू उठा लेती है। ये देख अनुराग भी सफेद पड़ जाता है। सर आप, वो मैं। पीहू इट्स ऑल राइट, घबराओ नहीं, मैं हूँ यहाँ। पीहू अनुराग से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुराग पीहू को अच्छा महसूस कराने के लिए लॉज की छत पर उसे ले जाता है। शाम का समय हो चुका था, ऐसे में छत और भी सुंदर लग रही थी। पीहू देखती है कि अनुराग ने उस छत को कितना रोमांटिकली सजवाया हुआ था और वह पीहू को बड़े प्यार से ही टेबल पर बिठाता है। सर ये सब, बस आज की शाम मुझे बिना किसी सवाल के दे दो। आज से पहले पीहू को इतना स्पेशल किसी ने नहीं महसूस कराया था, रंजन ने भी नहीं। पीहू अपने ही जन्मदिन पर रंजन के लिए घर पर सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी, मगर रात के 1:30 बज चुके थे, रंजन अभी तक घर नहीं लौटा था। रंजन कम से कम आज तो तुम मेरे लिए वक्त पर आ जाते। तभी दरवाजा खुलता है। ये देख पीहू बहुत खुश होती है, मगर अगले ही पल उतनी ही दुखी। रंजन नशे में चूर था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। रंजन तुम्हें आज का दिन भी याद नहीं था? चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती, इसलिए मैंने खुद ने इतना सब किया। मगर तुम बस आकर मेरे पास बैठ जाते, साथ में केक काटते, वही काफी होता यार। ओ मेरी बेबी, हैप्पी बर्थडे। लो अभी केक काटते हैं तुम्हारा। और रंजन पीहू के बनाए उस केक को मुट्ठी में भरता है और पीहू के पूरे चेहरे पर लगा देता है। पीहू बस रोई जा रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी पीहू। और रंजन उल्टी करके वहीं बेहोश हो जाता है। तभी अनुराग पीहू के सामने चुटकी करता है और वेटर केक लाकर रख देता है। हैप्पी बर्थडे मेरी सेक्रेटरी। अनुराग सर पर आपको कैसे? वो तुम्हारा आधार कार्ड है ना मेरे पास, उसमें सब लिखा है। एक अनुराग सर हैं,
गैर होकर भी मुझे कितना खास महसूस करा रही हैं, और एक रंजन है जिसने विश करने के लिए भी फोन तक नहीं किया। और उस शाम पीहू अनुराग के साथ में रंग कर सारी चिंताएं भूल जाती है। मुझे तो लगा था सर किसी गलत इरादे से मुझे यहाँ लाए थे, पर सर कितने अच्छे हैं। और दोनों उस रात लॉज की छत पर ही बिस्तर लगवाकर तारों की छांव में लेट जाते हैं। तभी जब पीहू आसमान की ओर देख रही थी तो अनुराग उसके सामने तारों की तरह चमचमाती एक डायमंड की अंगूठी लाता है। पीहू ये देख हैरान थी। सर ये आप क्या कर रही हैं? पीहू मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुन लो। सर आप जानते हैं कि मैं रंजन से कितना प्यार करती हूँ। अनुराग पीहू को अपनी बाहों में जकड़ता है। और पीहू क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? याद रखना पीहू, तुम किससे प्यार करती हो उससे ज्यादा मायने होते हैं। तुमसे कौन प्यार करता है? हम सफर उसे ही चुनना जो तुमसे प्यार करे, क्योंकि तुम्हें चाहने वाला तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अनुराग पीहू की आंख बंद करता है। पीहू आंखें बंद करके देखो, तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या नजर आता है? पीहू आंख बंद करती है तो उसे रंजन का चेहरा नजर आता है। वह मुस्कुराती है, तभी रंजन उसे थप्पड़ मारता है, तो कभी चेहरे पर केक लगाता है, कभी पैसे छीनता नजर आता है, तो कभी धकेलता हुआ। उसके ख्यालों में रंजन उसका ध्यान नहीं रख पा रहा था। जब पीहू अपने मन के भीतर चल रहे ख्यालों में जमीन पर गिरी थी तो तभी वहाँ अनुराग आकर उसे उठाता है, प्यार से बिठाता है, सहलाता है, उसकी केयर करता है और पीहू को सीने से लगाता है। असल में भी पीहू अनुराग के सीने से लिपट जाती है और अनुराग उसका माथा चूम लेता है। पीहू की आंखों से बस प्यार के आंसू बह रहे थे। आप किसे चुनेंगे अपना हमसफर, जिसे आप प्यार करते हैं उन्हें, या जो आपको प्यार करते हैं उसे? जवाब जरूर दीजिएगा और देखिएगा हमसफर की आगे की कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।